राजफल और आप देख रहे हैं नमस्ते राजस्थान न्यूज। लोगों ने नया वर्ष नया कौन सा आ गया, सभी को जाने एक जनवरी नया वर्ष होता है। ये चैत्र प्रतिपदा नए वर्ष को कोई किसी को जन्म था ही नहीं, लोगों को बहुत समझना पड़ता था। दो साल तीन साल बाद में लोगों को समझ में आया, उसके बाद वो जैसे ही बात करते हैं, अच्छा अपना आ गया क्या, क्योंकि थोड़ा विडम ना है कि हम लोग तिथि का ध्यान कम रखते हैं, तारीख का ध्यान ज्यादा रखते हैं। इसका हमारी जो घर में माता है बहन है वो तो तिथि का ध्यान रखती है, आज एकादशी है, आज पूर्णिमा है, आज अमावस्या है, वो तो ध्यान खुला रखती है, हम लोग तारीख ध्यान रखते हैं। तो ये लोगों का कहने के बाद में प्रतिवर्ष ये किसका क्या बढ़ रहा है, और हमारी खुद की इच्छा ये थी कि अगले पाँच सात सालों में मीडिया के शौक से इतना जन जागरण हो जाए कि हमें समिति बनाकर लोगों को नहीं कहना पड़े कि आपको नवज बनाना है। आज होली है, दिवाली है, सब त्यौहार अपना आप लोग बनाते ना, किसी का राखी है, जो हमारा त्यौहार है सब पता है कि राखी आज आज होली आज दिवाली है, कोई समिति नहीं बनती। नववर्ष की विडम्बना है कि चूंकि हमारे अंग्रेजी सब छा गई समिति बनानी पड़ी, और लेकिन बहुत खुशी की बात है कि 25 वर्षों में इतना काम बढ़ा, इतना काम बढ़ा है कि समाज के अनेक संगठन अपने मन से सुप्रेरित बहुत बहुत सारे कार्य करते हैं, जितना हम करते हैं उसे कई गुना कार्यक्रम समाज कर रहा है, और हम ही चाहते थे। और मैं जैसे समझ रहा हूँ, जैसा अनुमान लग रहा है, पाँच सात साल बाद में समिति बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ना आपको बैठना पड़ेगा ना हमको बैठना पड़ेगा। इसलिए आपसे भी निवेदन है इसको कैसे अधिक से अधिक हाईलाइट करें, लोगों को दिमाग ध्यान बैठा हुआ, जो वर्तमान प्रिफेक्ट में जो माहौल बढ़ा हुआ, पूरा देश का बहुत पूरा विश्व बढ़ा हुआ है। आज जो राम मंदिर का जो स्थापना हुई है, जो उसका बात में सबसे लगा भी कितना भव्यता आई है, और निश्चित रूप से अब समय आ गया है कि हमारी हिंदू संस्कृति को, हमारे संस्कारों को, हमारे जो पूर्व में जो हमने किया कर उनको स्थापित करने के लिए, उनको नई नई पीढ़ी को जानकारी देने के लिए हम काम करें, इसके लिए हमें आपका सहयोग बहुत अति आवश्यक है। उस दिन भी निवेदन है कि जितने भी आपके अखबार में ऐड चल रहे हैं, रचना की है इस दिन तो ब्रह्मा जी की झांकी रहेगी। आर्य समाज की स्थापना हुई इस दिन तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी की झांकी जो है वो इस दिन रहेगी। नवरात्रि प्रारंभ है तो नव दुर्गा की झांकी रहने वाली। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक आद्य सरसंचालक पूज्य डॉक्टर केशवराव बलिराम हेडगेवार जी का जन्म दिवस है उस दिन, तो उनकी झांकी रहेगी। विक्रमादित्य जी ने इसी दिन स्थापना की थी नया, जो है उन्होंने अपना साम्राज्य स्थापित किया, तो विक्रमादित्य की झांकी रहेगी। ऐसे करके उस दिन से संबंधित जो ये 6-7 झांकियां है वो रहने वाली है। और इसके अलावा शिक्षक संघ के हमारे पदाधिकारी जो शिक्षक संघ के कार्यकर्ता वो शुभ्र वेश में, पारंपरिक वेश में धोती और कुर्ता और साफा पहन के और आगे मोटरसाइकिल्स पे चलाएंगे। और उस दिन हम नगर में जो घंटाघर से प्रारंभ होते हुए और स्वस्ति गेट, जालोर गेट, सदापुरा, बी रोड, सी रोड होते हुए जलजोग चौराहा जो इसका समापन है, पूरे रास्ते में बीच में लोगों को शुभकामना, शोभा यात्रा के समय शुभकामना का एक पत्रक भी वो भी भेंट दिया जाएगा। तो इस प्रकार से पूरा ये शुभकामना शोभा यात्रा विभिन्न प्रकार की झांकी और आगे गणगौर की भी शुभकामना निकलने वाली है। महावीर जयंती भी होगी, हनुमान जयंती होगी, लेकिन आपने गौर किया होगा कि पहली सत्र की इस त्योहारी सीजन की सबसे पहली झांकी जो है, सबसे पहली शोभा यात्रा ये चैत्र शुक्ला प्रतिपदा की होने वाली है। उसके बाद फिर अगले दिन चटी चंड की भी झांकी होगी और भी अलग अलग फिर चलती रहती है। और 4 बजे शाम को घंटाघर नई सड़क से शुरू होकर स्वस्ति गेट, जालोर गेट, सदापुरा, सी रोड, डी रोड, जलजोग चौराहे पर संपन्न होगा। संपन्न होने वाले स्थान पर जैसा भारतीय नववर्ष जो है 2081, तो 2081 दीपक जला के वहाँ पर भारत माता का चित्र और उसके साथ में समापन होगा, आतिशबाजी भी होगी, तो भोजन रहेगा और वो सब बता दो ना। हाँ सर, इसके एक दिन पूर्व सायंकालीन एक स्नेह भोज का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें एक समिति के माध्यम से पूरा आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मनोज रिया ग्रुप दिल्ली की तरफ से जो विभिन्न प्रकार की झांकियाँ और विभिन्न प्रकार के कलाकारियाँ और आतिशबाजी उसको करती है, तो उसको हमने बुलाया है।
उसके सांस्कृतिक कार्यक्रम ग्रुप में और स्नेह भोज में तो होगा उसके लिए। अच्छा, जाके कहाँ से कहाँ तक निकलेगी और वो शिक्षक श्रेणी? शिक्षक अगुवाई करेगा जो पारंपरिक वेशभूषा है उसके अंदर, और जाकिया नई सड़क घंटाघर से चलचौक चौराहे तक पहुँचेगा। विक्रम संवत 2081 के भव्य स्वागत और भव्य आगाज के लिए सामूहिक जो हमारी समिति जो बनी है उस समिति के माध्यम से हम सप्त दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें 6 तारीख को हम रक्तदान शिविर और गौशालाओं के अंदर गायों को गाँव गौ सेवा के माध्यम से, और जो विभिन्न हमारी बस्तियां हैं, कृषि बस्ती है और जो हमारी सेवा बस्ती है, वहाँ जा करके और सेवा बस्ती के कार्यकर्ताओं के साथ में स्नेह मिलन और नव वर्ष के पूर्व उनके साथ उनको शुभकामना देना, और उनको 8 तारीख को शाम को जो शोभा यात्रा भी उसमें गुलाम करके और उनकी सहभागिता करना, और 7 तारीख को स्नेह बोध के साथ साथ हमने इस कार्यक्रम के माध्यम से ये लगा कि समाज के सभी घटक इसमें कैसे सम्मिलित हो और स्वप्रेरणा से इसमें आने वाला हर कार्यकर्ता अपना खुद का शुल्क दे करके और इसमें सहभागिता निभाता है, तो ये एक नई प्रेरणा है। कोई खाना करने करने के मूल उद्देश्य है कि हम किस प्रकार समाज को एकजुट होकर के इस कार्यक्रम को, इस आयोजन को भव्य बनाए, इसको लेकर के हमने स्नेह बोध का और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन करते हैं, और 8 तारीख को शाम को शोभा यात्रा के अंदर मातृशक्ति एक विशेष भूषा में रहेगी, साथ में हमारी जो भारतीय संस्कृति के अनुरूप वेशभूषा में युवा और जो राष्ट्रीय शिक्षक संघ है उनके जो हमारे शिक्षक संघ के जो पदाधिकारी है वह एक वेशभूषा में भी रहेंगे, साथ में रास्ते के अंदर हर जगह विविध संगठनों के द्वारा पुष्प वर्षा और मिष्ठान के द्वारा स्वागत किया जाएगा, और जो जलदोग चौराहा है वहाँ पर भव्य आतिशबाजी के साथ में एक रंग बिरंगी जो वहाँ के व्यापार संघ है वहाँ पर भव्य आतिशबाजी होगी, और अखंड भारत माता के सामने दीप प्रज्वलित कर और माँ भारती की महाआरती के साथ यह कार्यक्रम सम्पन्न होगा। ओके, थैंक यू।